हेलो लेडीज़ एंड डटमैन नमस्कार सत श्रीकाल सलाम दिस इज़ अमित कपूर दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रडिक्शन जो कि स्टार्ट होगी सेवनटीन ऑफ अप्रैल 2023 से लेकर ट्वेंटी ऑफ अप्रैल 2023 तक जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूँ कि मेरी ये जो प्रडिक्शन हैं वो आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं आपके सन साइन आपके मून साइन से मेरी प्रडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें मेरे वीडियोज़ को सुने यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन बिटी टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर देखिए इस वीक में 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में सबसे बड़े दो इवेंट होने जा रहे हैं 20th अप्रैल को सोलर इक्लिप लगेगा लेकिन उसका प्रभाव इंडिया में थोड़ा कम रहेगा लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है अश्विनी नक्षत्र में है मेष राशि में है तो 20 अप्रैल को सभी सभीस के लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर के चलना है और दूसरा सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस वीक में ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन यानी जुपिटर विल चेंज इट्स साइन फ्रॉम पाइसिस टू एरिस अपने ऑन uh, साइन से निकलकर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गुरु ग्रह का यू uh, नो you know, गुरु ग्रह की यात्रा शुरू होने जा रही है 22 अप्रैल बीस से लेकर 1 मई बीस तक अब एरिस साइड में राहु भी गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर गुरु राहु की युति भी बन जाएगी अभी बुद्ध भी वहीं पर है वो वक्री होंगे तेईस अप्रैल को सॉरी इक्कीस अप्रैल को और सूर्य भी एक महीने के लिए एरिस में रहेंगे गुरु राहु बुद्ध सूर्य की युति एरिस में रहेगी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीक थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है सभी सभीस के लिए किसी के लिए पॉजिटिव है किसी के लिए नेगेटिव है सोलर इक्लिप पर मैं ऑलरेडी चार पांच दिन पहले अपना वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ आप उस पर जाकर अपने एसेंडर्स के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि आपके लिए ये सोलर इक्लिप कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव जाएगा और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करूँगा पेंडेमिक uh, शुरू हो सकता है कोई ना कोई वर्ल्ड वार तक लग सकती है या दो चार कंट्रीज आपस में एकजुट होकर किसी कंट्री पे अटैक कर सकती हैं ऐसी सिचुएशंस ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल के बाद बनेंगी क्योंकि गुरु राहु सूर्य बुध एरिस एरिस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे और गुरु राहु की युति तीस अक्टूबर बीस तो तक चलेगी तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा या राहू की महादशा या राहू का अंतर या गुरु का अंतर या गुरु की महादशा में राहू का अंतर चल रहा है तो सिचुएशन विल बी वर्स्ट साइड इफ जुपिटर इज़ नॉट वेल प्लेस्ड इन योर डी वन चार्ट इन योर नेटल चार्ट तो उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि आपके ऊपर गुरु की महादशा है राहु की महादशा है या गुरु राहु आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर प्लेस्ड है उनका जो ट्रांजिट के गुरु राहु के साथ जो जो योग बन रहा है वो क्या है किस तरह का है तो अब स्टार्ट करते हैं वीकली प्रडिक्शन जो कि स्टार्ट होगी सेवनटीन्थ अप्रैल ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी ऑफ अप्रैल ट्वेंटी तक सबसे पहले बात करेंगे एरिस एरिसडस की यानी कि मेष लगन की देखिए मेष लगन आपको मंडे ट्यूजडे आपके लिए बड़े सिंह जाएंगे यू विल एन्जॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट्स पीस ऑफ माइंड सक्सेस इज स्टोर फॉर यू योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहेंगे आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और आपके द्वारा किए गए प्रयास आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे सिब्लिंग्स के साथ आपके टाइम बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्तों के साथ यंगर सिब्लिंग्स के साथ यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ गुड टाइम यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट्स पीस ऑफ माइंड सक्सेस इज स्टोर फॉर यू यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम यू विल गेट गुड न्यूज़ थ्रू कम्युनिकेशन देखिए वैनजे थर्सडे यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखे चलें स्टमक रिलेटेड ट्रबल आ सकती है बॉन्ड रिलेटेड ट्रबल यानी हड्डियों से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है वेनजे थर्सडे आपकी रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश हो सकता है बहुत ज़्यादा संभल के चलना है आपकी इज्जत जो है वो खराब हो सकती है आपकी इज्जत नाम हो सकती है या आपके रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लग सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना कोई आर्गूमेंट्स नहीं किसी के साथ करने कीप काम योर सेल्फ अपने आप को ठंडा रख के चलना है दिमाग को कूल cool रख के चलना है मेडिटेशन हर रोज़ सुबह ज़रूर करनी है हर रोज़ सुबह मेडिटेशन ज़रूर करें चाहे 20 मिनट करें चाहे 25 मिनट करें अपने इष्ट देव का सिमरन उच्चारण करें बीस पच्चीस मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी है वेनजे थर्सडे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे कोई नई डील नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना अगर कोई प्रेगनेंट वुमेन है तो उसके लिए तो वेनसडे थर्सडे बहुत केयरफुल होकर के चलने की जरूरत है कुछ भी काटना नहीं है खास करके थर्सडे को कुछ भी आपने नेल कटर का या आपने यू नो चाकू का कैंची का इस्तेमाल नहीं करना और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है बिजनेस से रिलेटेड तो उसको थर्सडे और वेनसडे और थर्सडे को क्लिक ना करें वेनसडे थर्सडे कुछ भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको किसी को पैसा देना पड़े या किसी को कोई कमिटमेंट देनी पड़े क्योंकि वो कमिटमेंट आपकी पूरी नहीं होगी देखिए फ्राइडे सैटरडे आप बाउंस बैक करेंगे मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकाल लेंगे लेकिन स्ट्रगल हार्ड वर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा एफ एफर्ट्स आपके जो होंगे वो हो, फ्रूटफुल रिजल्ट लाएंगे लेकिन बिना एफर्ट्स के आपको कुछ नहीं मिलेगा गुड लक आपका इतना काम नहीं करेगा जितने आपके प्रयास काम करेंगे देखिए प्रयास करना और गुड लक के ऊपर निर्भर होकर चलना तो अलग अलग चीजें हैं मैं अपने गुड लक पर बैठा हूं जो किस्मत में लिखा होगा मिल जाएगा तो वो वही मिलेगा छोटा सा थोड़ा सा लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे एफर्ट्स करेंगे तो हमें बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि जब हमारे एफर्ट्स और हमारे गुड फॉर्च्यून का यानी गुड लक का आपस में कनेक्शन होता है ना तो आदमी लाइफ में बहुत तरक्की करता है तो अब ये समझ के चलें एरिस इस वीक में जितना हार्डवर्क कर लेंगे जितने एफर्ट्स कर लेंगे अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरें किसी को चीट ना करें किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रख के चलें अपने फ़ादर के साथ टाइप ख़राब ना होने दें खास करके वेनस्डे थर्सडे को या इस सारे वीक में जितना ज़्यादा फादर की ब्लैसिंग्स लेंगे जितना ज़्यादा फादर का ध्यान रख के चलेंगे उतना ज़्यादा ये वीक आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा अदरवाइज़ कुछ ऑप्टिकल्स आपको कुछ हर्डल्स आपको देखनी पड़ेंगी कुछ डिलेज़ वेनसडे थर्सडे को देखने पड़ेंगे कोई बड़ी डील बड़ा कमिटमेंट थर्सडे को ना करें ओवरऑल ये वीक आपके आपकी प्रोस्पैरिटी लेकर आएगा मंडे ट्यूजडे सैटरडे विल बी रिवार्डिंग डेज फॉर यू यू मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील देर इज नो डाउट बिकॉज जुपिटर एंटर इन यूर फर्स्ट हाउस विल बी अ वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ द जुपिटर बींगर नाइन्थ लॉड ट्रांजिट इन यूर फिफ्थ फर्स्ट हाउस जो लोग फॉरन जाना चाहते हैं फॉरन सेटल होना चाहते हैं फॉरन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं तो ट्वेंटी अप्रैल के बाद आपकी विंडो ओपन हो रही है रिजल्ट थोड़ा स्लो जरूर मिलेगा लेकिन ओवरऑल यू विल ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ यू नो गुड रिजल्ट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस या टॉरस लगन की देखिए टॉरस असेंडेंस टॉरस लगन ये वीक आपके लिए एक तरफ से तो बड़ा पॉजिटिव है मंडे ट्यूजडे आपके लिए बड़े फ्रूटफुल डेज हैं आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ सकती है फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं रुका हुआ पैसा मिल सकता है आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ कर सकता है आपके एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो सकते हैं ये सारा टाइम मंडे ट्यूसडे यू विल फील वेरी पॉजिटिव एंड यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट पीस ऑफ माइंड सक्सेस इज स्टोर फॉर यू दिस होल वीक स्पेशली मंडे ट्यूजडे इज़ अ वेरी प्रामिसिंग टाइम फॉर यू यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी एट योर वर्क प्लेस योर सीनियर्स आर सेटिसफाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस आप अपना परफॉर्म करेंगे और मंडे ट्यूजडे को उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे लेकिन वेनजे थर्सडे को गेम चेंज होगी कुछ नेगेटिविटी रहेगी आपके बच्चों के साथ तू तू मैं, मैं अनबन हो सकती है बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है बच्चों के साथ कला क्लेश हो सकता है या बच्चों के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है विदाउट एनी रीज़न यू आर स्पेंडिंग मनी जिसका कोई मतलब नहीं है अवॉइड करे फॉरन जर्नीस को अवॉइड करें फॉरन ट्रैवलिंग्स को अवॉइड करें फॉरन रिलेटेड एनी एक्टिविटीज़ को वेनसडे थर्सडे आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेंगे खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं माइंड आपका डिस्टर्ब हो सकता है कोर्ट कचहरी का अगर कोई मसला ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें आपके अगेंस्ट यू नो कोई ना कोई फैसला आ सकता है ये सारा टाइम वेनसडे थर्सडे आपको बहुत केयरफुल होकर के चलना है अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रख के चलें आर्गूमेंट्स किसी के साथ ना करें लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें जितना ज़्यादा काम होकर चलेंगे पोलाइट और हम्बल होकर चलेंगे उतना ज़्यादा ये वीक आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम पानी की तरह बहेगा सेविंग्स और एक्सपेंडिचर आपके अनबैलेंसिंग रहेंगे माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहेगा किसी दोस्त किसी वेलविशर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है मन परेशान या उतावला रह सकता है अननेसेसरी हडल्स रह सकती हैं बे बे बेचैनी बेताबी बहुत ज़्यादा रहेगी डिप्रेशन टेंशन में आप रहेंगे डीप थॉट्स में आप चले जाएंगे तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें मेडिटेशन करें चैंटिंग करें और ख़ास करके भगवान शिव की उपासना करें या लक्ष्मी चलीसा का उच्चारण करें गायत्री मंत्र सुनते रहें या उच्चारण करते रहें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के चलें वैनस एसडे को, को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या डील ना करें आपकी हेल्थ आपके फादर की हेल्थ आपका पैसा वो टारगेट पर है आपकी सेविंग्स ख़राब होंगी आपकी सेविंग व्यर्थ में जाएंगी बहुत ज़्यादा टॉरस आपने संभल के चलना है फॉर साइनिंग एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट और एनी न्यू डील कोई भी न्यू डील या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना कोई प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कोई आपको धोखा दे सकता है चीट कर सकता है बिल्कुल किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स आपने रियल इस्टेट में नहीं करनी किसी किस्म की आपने इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में नहीं करनी मूवेल मूवेबल एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा लेकिन अगर जहां पर आपने प्रॉपर्टी में प्लॉट में कोई वीला बाय कर लिया कोई अपार्टमेंट बाय कर लिया वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा फ्राइडे सैटरडे आपके रिसोर्सेज तो अच्छे रहेंगे सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे लेकिन वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा मन आपका बेचैन और उतावला रहेगा कभी कभी गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा टॉरस अननेसेसरी बातों पर आपको गुस्सा आएगा आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां लेकर आएगा स्ट्रगल लेकर आएगा हार्डवर्क लेकर आएगा आपको बहुत ज्यादा टेंशन का सामना करना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा ये सारा वीक आपके लिए कुछ उलझने लेकर आ रहा है वेनसडे से लेकर सैटरडे तक यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट वेनेसडे से लेकर सैटरडे तक आपको किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व नहीं होना ये सारा टाइम फ्रेम टॉरस आपके लिए स्ट्रगल लेकर आ रहा है लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ आप प्रोफेशन में भी ग्रो करते जाएंगे अगर विदेश से जुड़ा हुआ किसी कंपनी में काम करते हैं किसी विदेशी कंपनी में जुड़े हुए खुद फॉरन में है तो तरक्की आपकी हंड्रेड परसेंट है लेकिन वो तरक्की ईजी नहीं है उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा बहुत फोकस होना पड़ेगा बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा बट यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन इफ़ यू आर इन अ फॉरन लैंड इफ यू आर इन ए यूर बर्थ लैंड लाइक आपका बर्थ डेली का है न्यू डेली का है तो आप दिल्ली में ही रह रहे हैं और आपके ऊपर गुरु राहु की दशाएं चल रही हैं या गुरु की, की अंतर या राहू की अंतरदशा या महादशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा सॉरी टू से बट जो प्लानट्स की पोजिशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ये सारा वीक कोई किसी किस्म का मैं दोबारा रिपीट करूंगा प्रॉपर्टी ना बाय करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ ना करें आपके लिए वो अच्छी ना होंगी आपके अगेंस्ट काम हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आपको कोई धोखा दे सकता है अब बात करते हैं जर्मनी असेंडस की देखें जर्मनी आपके लिए अगर हम देखें तो ये वीक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है मंडे ट्यूजडे यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एसिडिटी रिलेटेड ट्रबल आ सकती है बैक बैकबॉन रिलेटेड ट्रबल आ सकती है नीज रिलेटेड ट्रबल आ सकती है बट ओवरऑल इनकम आपकी बड़ी अच्छी रहेगी मंडे ट्यूज़डे को सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी और आपकी सेविंग्स में राइज होगी कंफर्ट्स में राइज होगी नई गाड़ी आप बाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं चार चार ग्रहों की युति आपके इलेवंथ हाउस में होगी डे विल विल बी अ यू विद सम कोई मॉनेटरी गेन होगा कोई बहुत बड़ा आपको धन लाभ होने वाला है जेमनी जिसमें आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड यूर एल्डर सिबलिंग्स विल सपोर्ट यू यू विल इन्जॉय ऑल राउंड सक्सेस दिस होल टाइम गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट यू विल मीट लॉट ऑफ मनी नेम फेम प्रोस्पैरिटी एंड गुड फॉर्चून स्टार्ट स्माइल फॉर यू जेमनी इस वीक का एडवांटेज लें इस वीक का जितना ज़्यादा एडवांटेज लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी अगर बिजनेसमैन है तो फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी या ये भी हो सकता है कि कोई प्रोफेशन से संबंधित आपको उन्नति या प्रोफेशन से संबंधित आपको गुड फाइनेंशियल गेन्स हो जाएँ जिससे आप अपने पुराने डेप्स क्लियर करो अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिल जाएगी देखिए मंडे से लेकर थर्सडे तक का जो टाइम फ्रेम है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है प्रोफेशन से संबंधित जॉब से संबंधित कारोबार से संबंधित यू विल भी

तो आपका टाइम इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा देखें इक्लिप भी आपके इलेवंथ हाउस में लग रहा है जुपिटर भी आपके इलेवंथ हाउस में जा रहे हैं मर्कर इलेवंथ हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस वीक में तो प्लानी पोजिशन इज वेरी पावरफुल क्योंकि पावरफुलटीमेट हाउस इज इज वन ऑफ द अल्टीमेट हाउस हाउस दिस अ अन यूर ड्रीम्स एंड डिजायर विल बी फुलफिल इफ यू आर अंडर द सन महादशा जुपिटर महादशा राहू महादशा फॉर एक्साम्पल यू विल डेफिनेटली ग्रो अ लॉट यू विल मेट लॉट ऑफ मनी अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली यू में साइन न्यू डील यू में साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर है तो यू विल साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट कोई अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट कोई अच्छी खासी डील या कोई अच्छा खासा आपको जिसको बोलते हैं कि पैसा भी मिलेगा और साथ में इज्जत में भी इजाफा होगा लेकिन अपने फादर की ब्लेसिंग ज़रूर लें फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें द मोर यू गेट यू नो blessings from your father's side or grandfather's side the more you get fantastic result this will be a highly productive week for you when you will bless with a lot of financial gains you will bless with a good support from your friends from your elder siblings from your family and your old dreams and desires will be fulfilled if you are under the mercury जुपिटर और राहु महादशा और सन महादशा दिस विल बी अ हाईली बेनिफिशियल पीरियड फॉर यू अब बात करते हैं कैंसरस एंडस की देखें आपके लिए मंडे ट्यूसडे थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेंगे आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी मदर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है कला कलेश हो सकता है तनाव हो सकता है मदर के साथ आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छा ना होगा हो हार्डवर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे मदर के साथ जो रिश्ते होंगे आपको बहुत ज़्यादा आपके आपका तनाव जो होगा उस रिश्ते में बढ़ सकता है घर का माहौल खराब हो सकता है आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ लड़ सकते हैं स्पाउस के साथ लड़ सकते हैं वर्क प्लेस पर भी, भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे वर्क लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा वेनजे थर्सडे आप डिप्रेशन में रहेंगे टेंशन में रहेंगे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आने वाली है वर्क प्लेस पर आपको ऐसा काम दिया जाएगा जो आपको लगेगा कि यार ये डोमेन मेरा नहीं है मुझे इस काम में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है लेकिन आपको वो करना पड़ेगा जैसे आप इरीटेट फील करेंगे सीनियर्स आपके ऊपर वर्क लोड बहुत बढ़ा देंगे सीनियर्स के साथ आपके जो टाइप है वो ज़्यादा अच्छे ना रहेंगे ये सारा टाइम फ्रेम आपको बहुत केयरफुल होकर के चलना है स्पाउस के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना अपनी मदर के साथ या अपनी मदर इन लॉ के साथ या मासी बुआ के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना Uh, किसी भी ओल्ड एजेड वूमेन के साथ अगर आप लड़ोगे तो आपका गुड फॉर्चून ख़राब हो जाएगा इवन ओल्ड एजेड वुमेन चाहे वो आपकी माँ है भूआ है मासी है आपकी मदर इन ला है उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहे उनको धुतकारे ना उनके साथ गलत बर्ताव ना करें स्पाउस के साथ ना लड़ें एफर्ट्स हार्ड हार्डवर्क स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कत का सामना कैंसर आपको करना पड़ेगा देखिए फ्राइडे सैटरडे कुछ रिलीफ आप फील करेंगे बट एग्जाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन फालतू का खर्चा ये बहुत ज़्यादा रहेगा अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी भटकना जारी रहेगा इधर से उधर भटक रहे हैं पता नहीं लग रहा क्या करना है या क्या नहीं करना यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम यू नीड टू बी केयरफुल ओम नम शिवाय 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 का मंत्र जाप करें शिव चालीसा का उच्चारण करें हर रोज सुबह तीन बार पाँच बार सात बार 108 बार भगवान शिव की के नाम उच्चारण करें सुबह रात डे स्टार्ट करने से पहले भी और डे फिनिश करने के बाद सोने से पहले भगवान शिव के 108 नाम सुनकर या बोलकर आप अपना डे समाप्त करें और स्टार्ट भी करें यू विल डेफिनेटली फील सम पॉजिटिविटी बट ओवरऑल दिस विल बी स्ट्रगलिंग वीक फॉर यू नीड टू बी केयरफुल सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर प्रॉब्लम्स है डेप्स आपके बढ़ सकते हैं किसी कारण कर्जा ले सकते हो आप या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने टाइम पे पे नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है यू नीड टू बी केयरफुल फोकस ऑन यूअर वर्क किसी को धोखा नहीं देना झूठ नहीं बोलना पोलाइट टॉक्स करनी है हम्बल होके चलना यू विल डेफिनेटली ग्रो अब बात करते हैं लेकिन देखें एक चीज़ है कैंसर ग्रोथ होगी लेकिन वो ग्रोथ ईजी नहीं होगी उसके लिए बड़ा फोकस बड़ा पेशेंस बड़ा डिटर्मिनेट आपको होना पड़ेगा अपने काम के प्रति बड़ा आपको बहुत ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे सक्सेस के लिए इजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू इन दिस वीक अब बात करते हैं लियो सेंडस की लियो सेंडस सेवनटीन अप्रैल से लेके गए ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल तक बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं मंडे ट्यूजडे यू विल ब्लेस्ड विद ए न्यू फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है कोई नई जॉब आपको मिल जाए हो सकता है कोई नए सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बन जाए रुका हुआ पैसा आपको कहीं से मिल जाए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी रहे हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मंडे ट्यूजडे आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी आपके साथ जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि गुरु आपके नाइन्थ हाउस में एंटर कर रहे हैं ट्वेंटी अप्रैल को और एज पर मून पोजिशन वीकली प्रडिक्शन है तो मंडे ट्यूजडे इज़ वेरी वार्डिंग डेज फॉर यू यू नो वेडे एंड थर्सडे यू नीड टू बी केयरफुलर्ट अबाउट यूर हेल्थ कोई रिलीजियस एक्टिविटी ना करें कोई चैरिटी ना करें इस समय में बस जितना ज्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव का या अपने गुरु महाराज का ध्यान लगाएं जितना ज्यादा आप अपने इष्ट देव की उपासना करेंगे आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करेंगे सूर्य देव को जल देंगे या अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा वेट्सडे थर्सडे को आप फॉरन प्लान कर सकते हैं कोई फॉरन टिकट बाय कर सकते हैं वीजा अप्लाई कर सकते हैं या आपका वीजा आपको मिल सकता है फॉरन रिलेटेड कुछ हैप्पी न्यूज आपको आ सकती है दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू वैन यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कंफर्ट लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर वर्क डेडिकेटेड होना पड़ेगा पैशनेट होना पड़ेगा तो यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट्स लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड देखिए फ्राइडे सैटरडे आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े गेम चेंजर हैं कोई नई जॉब आपको ऑफर हो सकती है प्लेस चेंज हो सकता है आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं आप और ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा है टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा सकते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं अपना वर्क स्टाइल चेंज कर सकते हैं जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं एंड यू विल गेट वंडरफुल जॉब विद गुड सैलरी this will be a very fantastic time when you will earn a lot of money name fame prosperity but एग्जाइटी आइसोलेशन आइसोलेट रहना एग्जाइटी में रहना स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन ये साइड में चलता रहेगा हल्का फुल्का क्योंकि अभी गुरु जस्ट एंटर इन योर नाइन्थ हाउस इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग इन डिग्री कली जब डिग्री कली गुरु स्ट्रांग हो जाएंगे नाइन्थ हाउस पे और डिग्री कली स्ट्रॉग होकर आपके लगन को देखेंगे तो एग्जाइटी आइसोलेशन यू नो अपने आप को आइसोलेट फील करना या टेंशन डिप्रेशन से आप बाहर निकलने वाले हैं यू आर वेरी नियर टू योर गुड टाइम बट यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट बी ऑनेस्ट बी हम्बल बी पोलाइट एंड uh, अपने रिलीजन को फॉलो करें आप जिस भी धर्म से हैं अपने धर्म के प्रति नितमस्तक होकर चलें अपने धर्म के प्रति काम होकर चलें तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गेंस वो गेंद सारे जो होंगे वो फॉरन रिलेटेड होंगे क्योंकि नाइन्थ हाउस एक्टिव हो रहा है थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा है तो आपको आपका सेंडेस भी एक्टिव हो रहा है तो आपकी काफी चीजें अब बेटरमेंट की ओर जाने वाली हैं एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की देखे वर्गो आपके लिए वीक को स्ट्रगल लेकर आ रहा है सत्रह अप्रैल से लेके 23 अप्रैल के बीच में मंडे ट्यूसडे आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है मंडे ट्यूसडे आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मंडे ट्यूसडे सीनियर्स के साथ आपके टाइप ख़राब हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है मंडे ट्यूज़डे आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मंडे ट्यूज़डे आपका हार्डवर्क जो होगा वो आपको पे ऑफ नहीं करेगा वेन्सडे थर्सडे आपकी इंसल्ट हो सकती है वेनसडे थर्सडे आपका एक्सीडेंट हो सकता है वेनसडे थर्सडे आपके हेल्थ इश्यूज राइज हो सकते हैं सीक्रेट पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है वेनसडे थर्सडे यू नीड टू तो बी केयरफुल वेल टॉकिंग विद अदर्स वेनसडे थर्सडे यू नीड टू तो बी केयरफुल वेल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट किसी किस्म का कोई किसी की यू you नो know, आपने आ, जिसको हम बोलते हैं कि जिम्मेवारी में नहीं फंसना किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी किसी के लड़ाई झगड़े में खुद नहीं इन्वॉल्व हो जाना अपनी हेल्थ का अपने वे ऑफ टॉकिंग का बहुत ध्यान रख के चलना है अपने सीनियर्स के साथ अपने टाइप का ध्यान रख के चलना है अपनी जॉब में टाइम पे रहें अपना बेस्ट करते रहें तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी इनकम आपकी लो हो सकती है एक्सपेंडिचर्स आई हो सकते हैं या जॉबलेस आप हो सकते हैं नौकरी तक आपकी जा सकती है क्योंकि सूर्य बुद्ध राहु और गुरु आपके एट्थ हाउस में गोचर करेंगे उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि होगी हालांकि शनि राजयोग बना रहे हैं लेकिन जो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु राहु सूर्य बुद्ध पर पड़ेगी वो आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगी हिडन प्रॉब्लम्स राइज होंगी बॉस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है जॉब में दिक्कत आ सकती है प्रोफेशन में दिक्कत आ सकती है वर्क प्लेस पे दिक्कत आ सकती है बी केयरफुल गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें हम्बल होके चलें काम होके चलें अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस की देखें आपके लिए ये जो वीक आ रहा है मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है मंडे ट्यूसडे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है स्पाउस के साथ तनाव रह सकता है प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है जॉब करते हैं तो वर्क लोड आपको बहुत ज़्यादा आपके सर पर होगा जिससे मन परेशान रहेगा वेनसडे थर्सडे आपका फिर स्पाउस के साथ झगड़ा होगा या सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है आपका कोई अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट हो सकता है आप रेड हैंडेड आप पकड़े जाओगे बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के चले लिब्रा किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैंटल अफेयर ना करें अपने स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट होकर चले स्पाउस जितना ज्यादा पोलाइट होकर चलेंगे जितना ज्यादा स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे जितना ज्यादा आप उनकी केयर करेंगे उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा अदरवाइज थर्सडे यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी लीगल मैटर वो चाहे लव लाइफ में हो वो चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ हो बट समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन यू नीड टू बी केयरफुल about your wife health, about relationship with your wife, and uh, you need to be careful while talking with your business associates or business partners. This will be a very uh, uh, you know confusing time when you will be a part of lot of unbalancing situation. ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ ना कुछ हर्डल्स ऑप्टिकल्स लेकर आएगा डिले लेकर आएगा लेकिन जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में लिब्रा बिल्कुल ना सोचें ये टाइम आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है फ्राइडे सैटरडे कुछ पॉजिटिविटी रहेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में और सम फॉरन ट्रांजेक्शन विल मेक यू हैप्पी बट ओवरऑल दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन काम डिले होंगे रुकेंगे बिजनेस पार्टनर्स के साथ लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होगा दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा तो तू मैं मैं हो सकती है आपकी इज्जत को

यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन रियल इस्टेट दिस विल भी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू मंडे ट्यूजडे यू विल इन्जॉय ऑलराउंड सक्सेस मंडे ट्यूज़डे यू मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील इफ़ यू आर इन अनी टाइप ऑफ बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर और यू आर सिंगर अगर आप कोई भी किसी किस्म का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो मंडे ट्यूजडे बड़े अच्छे हैं आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है पेरेंट्स के साथ आपके टाइए बहुत अच्छे रहेंगे बच्चों के साथ आपके टाइप बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप मैरिड हैं लव लाइफ चल रही है तो उसमें आपके लवर आपको सपोर्ट करेंगे यू विल फील बेटर एंड यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट्स लेकिन वेनसडे थर्सडे यू नीड टू बी केयरफुल लेन देन में दिक्कत आ सकती है फाइनेंशियल ट्रबल्स हो सकते हैं या आपकी हेल्थ पे कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं आपके फादर की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है नीड टू तो बी केयरफुल ऑन वेनसडे थर्सडे कोई नया डील नई साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें फॉरन से कुछ अच्छा आपको बेनिफिट हो सकता है इसमें कोई दोहराई नहीं एक्सपेंडिचर्स का ही हाई रहेंगे अचानक से कोई चलान कट सकता है आपको या कोई पेनल्टी लग सकती है आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चले बट ओवरऑल यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड गुड फॉर्चून स्टार्ट एड स्म फॉर यू एंड बट आपको स्ट्रगल हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा देखिए फ्राइडे सैटरडे आपके लिए गेम चेंजर है अनमेरिड है तो आपकी शादी हो सकती है या आपको रिश्ता मिल सकता है या आपकी लव लाइफ शादी में कन्वर्ट हो सकती है यू विल गेट फुली सपोर्ट फ्रॉम योर लव लाइफ योर लव्ड वन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपके स्पाउस करेंगे बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे सिर्फ थर्सडे आपको थोड़ा सा बच के चलना है काम होकर बट ओवरऑल ये सारा वीक आपके लिए प्रोस्पैरिटी लेकर आएगा अनएक्सपेक्टेड मनी लेकर आएगा बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर आपको फुली सपोर्ट करेंगे हनुमान जी की भक्ति जितना ज्यादा हर रोज रात को करेंगे उतना बढ़िया रहेगा फोर फेस वाला चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के आगे जगाएं, यू विल डेफिनेटली फेस यू नो लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स एंड लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी यू विल एन्जॉय रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ अब बात करते हैं सैडिटेरियस असेंडस की देखिए सेडिटेरियस आपके लिए जो वीक है मंडे ट्यूजडे यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी आप अपने प्रोफेशन से हटकर भी कहीं से ब्रोकरेज कमीशन या रेंटल इनकम को स्टार्ट हो जाएगी कुछ ऐसा होगा जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा आपके रिसोर्सेज बिल्ट होंगे आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा ये भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे को कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा गेन हासिल कर लें या आपकी किसी किस्म की कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल कन्वर्ट इन गुड प्रॉफिट वेन थर्सडे यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर किड्स हेल्थ आपके बच्चों की हेल्थ या आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा बच्चों की हेल्थ का ध्यान दे के चलें बच्चों के साथ टाई अप ख़राब ना होने दें वे ऑफ टॉकिंग पोलाइट रख के चलें और अपने बच्चों के साथ खास करके उलझे ना अपने स्पाउस के साथ अपनी लव लाइफ को खराब ना होने दें अगर अफेयर में हैं रिलेशनशिप में है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बी केयरफुल ये सारा टाइम आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का देखिए फ्राइडे सैटरडे दे आपके लिए उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं लेकिन जुपिटर चेंज हो रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं तो स्मार्ट गेम्स का टाइम शुरू हो रहा है अनएक्सपेक्टेड गेंस का टाइम शुरू हो रहा है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा नई डील आपको मिलेगी काफ़ी लंबे समय से आप फ्री बैठे हुए थे तो अचानक से काम धंधा आपको मिल जाएगा मंडे ट्यूजडे फ्राइडे सैटरडे विल बी अ रिवार्डिंग टाइम फॉर यू वैन यू विल ब्लेस्ड विद अ न्यू वर्क योर सोर्स ऑफ अर्निंग विल बी बेटर एंड यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट्स योर सैलरी विल राइज सम विल सम वन में सपोर्ट यू you will enjoy a lot of success peace of mind and your hard work will convert in sweet success satya dhanayan ji ki katha zarur kare thursday ki fasting rakhe yellow sapphire right hand ki index finger mein dale sorry yellow sapphire ya yellow sapphire right hand की index finger में gold में, में मड़ा के डालें कैरेट होना चाहिए आपके body के weight के हिसाब से और आपके birth chart में Jupiter की degree के हिसाब से अब बात करते हैं कैप्रिकोनस हैंडस की देखिए कैप्रिकॉन आपके लिए जो वीक है सेवनटीन अप्रैल से ट्वेंटी थर्ड अप्रैल तक कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है मंडे ट्यूसडे आपका हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे लेकिन रिजल्ट वैसे ना मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं घर का माहौल खराब रहेगा स्पाउस की हेल्थ खराब रहेगी वैनसे ठसरे लड़ाई झगड़ा कला क्लेश आपका हो सकता है पैसा कोर्ट कचहरी पर लग सकता है पुलिस पे लग सकता है मन उतावला या परेशान हो सकता है हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे लेकिन रिजल्ट आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपको मिलने चाहिए ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ मिक्स फ्रूट लेकर आएगा प्रोफेशनली कुछ ग्रोथ रहेगी लेकिन घर का माहौल खराब होने की वजह से आप प्रोफेशन में हंड्रेड परसेंट ना दे पाएंगे सीनियर्स के साथ आपके टाइप ज़्यादा अच्छे ना रहेंगे फ्राइडे uh, सैटरडे आपके लिए रुके हुए काम ज़रूर बनेंगे लेकिन फिर से स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी हाँ यहाँ पर आप कोई नया वाइकल बाय कर सकते हैं या पुराने को सेल करके नया वाइकल खरीद सकते हैं फाइनेंस कुछ बेटर फ्राइडे सैटरडे को आपका होगा सेविंग्स कुछ बेटर आपकी होंगी बट ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ऑन फ्राइडे सैटरडे आपके मदर की हेल्थ जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी मदर के साथ टाई अप खराब होंगे स्पाउस के साथ टाई अप खराब होंगे काली माता की उपासना हर रोज रात को जरूर करें वेनसडे नाइट और सैटरडे नाइट को काली माता को मोती चूर के लड्डुओं का भोग लगाएं लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल दूर रहें काम की ओर ध्यान दें अपना बेस्ट करें अपना हार्डवर्क करें अपना फोकस अपने काम की ओर रखें स्पाउस को इज्जत दें अपने पेरेंट्स को इज्जत दें फालतू के लफड़ों में इन्वॉल्व कैप्रिकॉन ना हो अदरवाइज सिचुएशन विल बी ऑन वस साइड अब बात करते हैं एकवेरियस असेंडस की देखें एकवेरियस आपके लिए ना मंडे ट्यूजडे तो बड़े रिवार्डिंग है रुके हुए काम आपके बनेंगे जॉब आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हार्डवर्क आपका पे ऑफ़ करेगा मेंटली रिलीफ आपको मिलेगा और आपकी फैमिली से आपको अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी आपकी वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमा जाएंगे ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा लेकिन वेनर्सडे थर्सडे को आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा आप टेंशन में रहेंगे एग्जाइटी में रहेंगे या आपका कोई काम फंस सकता है कोई लीगल मैटर से रिलेटेड काम आपका रोक सकता है कोई सरकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका काम कोई फंस सकता है वेनसडे थर्सडे आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गेम को जीतते जीतते आपने हार दी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ वेनसडे थर्सडे ऐसे हैं कि व्हेन यू फील नेगेटिव एनर्जी यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन फ्राइडे सैटरडे यू विल भी बाउंस बैक आपकी वही डील दोबारा से एक्टिव हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग आपके काम बनने लग जाएंगे आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा स्पाउस के साथ डीलिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस एसोसिएट्स आपको सपोर्ट करेंगे स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें स्पाउस के साथ तो तू, -तू महमा मैं, मैं हो सकती है या स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है ओवरऑल ये सारा टाइम आपके लिए कुछ हर्डल्स कुछ कन्फ्यूज़न लेकर आएगा वेनजे ठर्सडे सिर्फ मंडे ट्यूजडे फ्राइडे सैटरडे आपके लिए अच्छे हैं पॉजिटिव होके चलें फादर की ब्लैसिंग जरूर लें फादर की हेल्थ और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें बच्चों के साथ टाई अप अपने अच्छे बना के चलें अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट होने के 100 परसेंट चांसेस है रिसोर्सेज आपके इस वीक में बनते जाएंगे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे यू विल मीट लॉट ऑफ मनी नेम पेम प्रस्पैरिटी अब बात करते हैं पाइस एंडस की देखें पाइसिस वीक आपके लिए बहुत चेंज लेकर आ रहा है और इस चेंज में आपको बहुत केयरफुल होकर के चलना है मंडे ट्यूसडे कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें कोई नया ऑर्डर ना लें कोई नया लेन देन ना करें कोई पार्टनरशिप में इन्वॉल्व ना हो मंडे ट्यूसडे अपने फादर के एडवाइस लिए बिना आपने कुछ स्टेप नहीं उठाना मंडे ट्यूसडे यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम लॉट ऑफ हर्डल्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक से पैसा आपका खत्म हो जाएगा सेविंग्स आपकी हिल जाएंगी मन आपका परेशान रहेगा हार्डवर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड रहेगा बने बनाए काम रुक जाएंगे आपके फैमिली के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है फैमिली के साथ बिल्कुल भी आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना जितना ज़्यादा ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे उतना ज़्यादा ये टाइम अच्छा रहेगा अदरवाइज एक तो सोलर इक्लिप भी आपके सेकेंड हाउस में है दूसरा उस उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है तीसरा गुरु भी आपके 22 अप्रैल को लगन को छोड़कर सेकेंड हाउस में राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहे हैं जितना ज़्यादा आप अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देंगे ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान दे चलेंगे अब्यूज़ किसी को नहीं करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप ज्वाइंट फैमिली से अलग हो जाते हैं माता पिता को छोड़ देते हैं या माता पिता की केयर नहीं करते या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उतना ज़्यादा आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको उलझनों का सामना करना पड़ेगा पैसे के लेन देन में सतर्क होके चलें आपकी रिस्पेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी वेनसडे थर्सडे को आपकी कोई कीमती वस्तु घूम सकती है आपके फादर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है आपके मदर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर स्काई हाई रहेंगे अनएक्सपेक्टेड फॉरन ट्रैवल आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लेकर आएंगे पैसा व्यर्थ में आपका ख़राब होता जाएगा कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपको गलत एडवाइस दे और आपका पैसा आप लॉस्ट में चला जाए या आपके ऊपर कर्जा हो जाए या आपके ऊपर लीगल मैटर्स राइज हो जाए ये सारा वीक आपके लिए कॉम्प्लिकेशनस लेकर आ रहा है हर्डल्स लेकर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लेकर आ रहा है विदाउट एनी रीज़न फॉरन जर्नीज लेकर आ रहा है तो उनको अवॉइड करें जो है जितना है उसमें सेटिस्फाई रहे ज़्यादा लंबी दौड़ दौड़ने की अभी कोशिश ना करें क्योंकि टाइम आपके फेवर में नहीं है विष्णु भगवान की उपासना करें विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं हर रोज़ सुबह हर रोज़ रात को हनुमान जी की उपासना करें ओवरऑल दिस होल वीक ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन ज्वाइंट फैमिली में रहना है ज्वाइंट फैमिली में रहना है और सिर्फ ज्वाइंट फैमिली में रहना है माता पिता को अलग नहीं करना या माता पिता से अलग नहीं होना स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान दे चलना किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट uh, पे या डील पे साइन आपने नहीं करने, ओवरऑल ये वीक आपके लिए स्ट्रगल हडल्स अनएक्सपेक्टेड फॉरेन जर्नी लेकर आ रहा है जो अच्छी नहीं होगी अवॉइड करें जर्नीस को लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीस को अवाइड करें एक एक पैनिक खर्च करने से पहले सौ सो बार सोचें क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स एक्टिव हो चुके हैं लीगल मैटर्स पे पैसा लगेगा कोर्ट कचहरी में आप इन्वॉल्व uh, हो जाएंगे फंस जाएंगे परेशान हो जाएंगे नीड टू बी केयरफुल स्टे कूल मैन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एम थैंक फॉर योर हैप्पी फ्यूचर नमस्कार सत्या सलाम जय हिंद